नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। कांग्रेस पार्टी द्वारा हनुमान चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन किया गया। यह पुतला दहन भाजपा के नेताओं द्वारा भाजपा के विधानसभा की बैठक में जैन समाज के मुनियों के ऊपर दिए गए उदाहरण के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। विगत दिवस भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में भाजपा के नेताओं द्वारा जैन समाज के ऋषि मुनियों का जो उदाहरण दिया गया वो बहुत ही निंदनीय है। जैन समाज हमको परमो धर्मा और सामाजिक एकता का, अहिंसा का पाठ पढ़ाता है और यह शिक्षा हमको जैन समाज से मिलती है। ऐसी जो उन्होंने वक्तव्य दिया है उससे पूरे जैन समाज में भी रोष है और हमारे सारे सनातन धर्म में जितनी भी जातियाँ उनमें रोष है। किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को किसी भी धर्म या जाति विशेष पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए हम भाजपा का यहाँ पुतला दहन किया है हमने। हम ये चाहते हैं कि जिस भी नेता द्वारा ये बोला गया है वो सार्वजनिक रूप से जैन समाज से माफ़ी मांगे और भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेता को अपने दल से बाहर करे, ये हम मांग करते हैं। ऑल इंडिया डीएसओ व महिला सशक्त संघ द्वारा मुजफ्फरपुर की घटना के विरोध में किया गया प्रदर्शन। आज ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा नगर पालिका के सामने मुजफ्फरपुर की बालिका आश्रय की बालिकाओं के साथ लंबे समय से हो रहे बलात्कार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उक्त बालिका आश्रय स्थल की घटना में कई सफेदपोश नेताओं के नाम सामने आए हैं, इसी कारण पुलिस इस केस में निष्पक्ष जाँच नहीं कर पा रही एवं उन सफेदपोश लोगों को बचाने में लगी हुई है। घटना के आरोपियों को पुलिस द्वारा पकड़ा नहीं गया। प्रदर्शन के माध्यम से डीएसओ ने मांग की कि बालिका आश्रय स्थल के आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए एवं उन्हें फांसी की सजा दी जाए। जैसा कि आपको वीडियो थे, कुछ दिनों से अखबारों में, मीडिया में एक खबर प्रचारित हो रही है, मुजफ्फरपुर में बालिकाओं के साथ ही दिवस घटना के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सभी दोषियों को लाल मूलक फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सभी बलात्कारियों को फांसी, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मुजफ्फरपुर के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मुजफ्फरपुर बिहार के मुजफ्फरपुर में ये जो एक हॉस्टल में छोटी छोटी बच्चियों के साथ काफ़ी समय से बलात्कार की पुष्टि हुई है तो उसी के विरोध में आज पूरा बिहार बंद है और आज पूरी लेफ्ट पार्टियों ने एकजुट होकर बिहार को बंद किया है और हम पूरे देश में अलग अलग जहां हम लोग महिला संगठन, छात्र संगठन, युवा संगठन, इसके तहत हम लोग चाह रहे हैं कि एक बड़ा आंदोलन संगठित किया जाए। जिस तरीके से महिलाओं और बच्चियों को इस दलदल में घसीटा जा रहा है और इसमें बहुत सारे सफ़ेद पोश के जो लोग हैं, मंत्रीगण हैं, वो तक भी इन चीज़ों में लिप्त पाए गए हैं लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, इससे इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं ऐसे जो लोग हैं इन लोगों को सख्त सज़ा दी जाए। बिहार में भी एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो इस चीज़ में लिप्त था, अपन चाहते हैं कि उन लोगों को सज़ा दी जाए और साथ में ही अपन चाहते हैं नशा जिस तरीके से मालूम भी चला है वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों को मिर्गी के इंजेक्शन, अलग अलग नशे के इंजेक्शन देकर उनके हॉर्मोन्स को सक्रिय करके उन लोगों के साथ गलत घटनाएं की गई हैं। तो इन जो नशे की चीज़ें हैं इनके ऊपर खासतौर पर पूरे देश भर में प्रतिबंध होना चाहिए, अश्लीलता को पूरी तरीके से रोक होना चाहिए और जो बलात्कारी हैं उनको सख्त सजा देना चाहिए। इसी मांग को लेकर आज अपन हम लोग महिला सांस्कृतिक संगठन ऑल इंडिया छात्र संगठन डीएसओ साथ में ही ऑल इंडिया डीवाईओ यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हम लोग यहाँ पर एक प्रदर्शन करेंगे। मानस भवन में हुआ सैन समाज का शपथ ग्रहण समारोह। मध्य प्रदेश युवा सैन समाज संगठन द्वारा मानस भवन में हुआ शपथ विधि समारोह। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विट्ठल दास मीना एवं समाज सेवी ओन शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जिले की नवीन सैन समाज की समिति के पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाई गई।
साथ ही समाज की उन्नति के बारे में चर्चा भी यहाँ की गई। घड़ी में उड़ाओ, घड़ी करके उड़ाओ, अच्छा लगेगा, बोल के मत उड़ाओ। श्री राम प्रसाद जी सेन को साथ उड़ाकर सम्मानित करने का व्यक्त करें। स्वागत को श्रीमान के भेंट दुशाला लाए, स्वागत के श्रीमान के भेंट दुशाला लाए, रोली तंदूर थाल में श्रीफल लिया सजाए, और स्वागत को श्रीमान के भेंट दुशाला शुरू हो जाए। साल उड़ाकर सम्मानित करने की कृपा करें। सर्वप्रथम माननीय मुख्य अतिथि महोदय को साल और तिलक लगाकर सम्मानित करने की कृपा करें। आदरणीय बाबूलाल जी और आज मध्य प्रदेश युवा सैन समाज संगठन की जिला कार्यकारिणी शपथ विधि समारोह है, साथ में सैन संकल्प यात्रा जो प्रदेश स्तर में चल रही है, इसमें हमारे प्रदेश के सब पदाधिकारी हैं, सभी अतिथि लोग पधारे हुए हैं। ओएन शर्मा जी अतिथि है, मित्तल दास जी मीना हमारे अतिथि है, कृष्ण सोनी जो छोड़ा सा वो भी अतिथि है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, हमारे आदरणीय भाई साहब जो उकार कॉलेज वाले हैं प्रदीप जी वो भी हमारे अतिथि हैं, सब सभी लोग उनके अतिथि के उसमें साक्षात में सब कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। पूरे जिले से नवीन कार्यकारिणी समाज पधारी हुई है, इसी कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। इसके उपरांत कार्यक्रम के उपरांत हजारों लोगों का भंडारा कार्यक्रम रखा। वारंटियों एवं इनामी बदमाशों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत उप निरीक्षक राम शर्मा, साइबर सेल प्रभारी सहायक उप निरीक्षक मसीह खान, प्रधान आरक्षक हरीश राजपूत, आरक्षक अजेंद्र पाल सिंह, आरक्षक धीरेन्द्र सिंह, आरक्षक गौरीशंकर, आरक्षक हिदत सिंह टीम के द्वारा 3,000 के इनामी पारदी वीरू पुत्र कमरिया पारदी उम्र 40 साल को बड़ी सूझबूझ एवं बहादुरी के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके ऊपर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 461/11 धारा 307 326 147 148 149/12 भी एवं थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 592/11 धारा 457 380 में स्थायी वारंटी है एवं थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 343/17 में धारा 353 332 में फरार है। इसके अलावा उक्त आरोपी पर थाना धरनावदा में भी अन्य अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। जहां एक ओर सरकार करोड़ों रुपया शिक्षा के विज्ञापनों पर खर्च करती है, वहीं बदहाली के साए में पढ़ने को मजबूर है हमारे बच्चे। हम बात कर रहे हैं झागर में स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय की, जहां पर 3 स्कूल एक साथ लगते हैं। आलम यह है कि ना तो वहां पर बैठने की सही व्यवस्था है, ना ही शाला के कक्ष इस लायक है कि वहां पर बच्चों को पढ़ाया जा सके। यहां के अध्यापक मूलभूत सुविधाओं के अभाव में बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हैं। यहां केवल 9 शिक्षकों ने अध्यापन की ऐसी मिसाल पेश की है जो पूरे जिले में कहीं देखने को नहीं मिलती। जिले भर में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली छात्रा भी इसी अभावग्रस्त स्कूल में पढ़ती है। यहां प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हों या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के, सभी जमीन पर बैठकर ही पढ़ते हैं। तकरीबन 900 बच्चे वाले इस स्कूल में केवल 9 ही अध्यापक हैं और किसी व्यक्ति और लिपिक की यहाँ व्यवस्था नहीं की गई है, बल्कि यहाँ से पढ़ाने वाले शिक्षकों का ट्रांसफर भी कर दिया गया है। जब हमारी बात यहाँ के प्राचार्य से हुई तो उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग उन्हें पढ़ाने हेतु सामग्री भी नहीं दे रहा, क्योंकि यह बिल्डिंग उनकी नहीं है। हालांकि करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से एक नवीन विद्यालय का निर्माण जागर थाने के ठीक सामने हो रहा है, किंतु यह निर्माण कब तक होगा ये कोई भी नहीं बता पा रहा। 2007 से यह विद्यालय ऐसी ही हालत में चलाया जा रहा है और सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे भी यहीं से निकल रहे हैं। हमारी खबर देखने के बाद क्या इस विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं में सुधार होगा, ये देखने लायक होगा। A plus N minus 1 D A plus N minus 1 C देखो ये कितना दिया है, D कितना दिया है। लाइट वाइट सारी टूटी पड़ी है, पंखे वंखे कुछ चालू है, तो उसको अपन को N मानना पड़ेगा। देखो माना N व पद, माना N व पद, बस वो बदलवा नहीं रहा है। क्यों नहीं हो पाया तो बस हटो चलो।
रखो उसमें ए बराबर 21 और डी बराबर उन्होंने जो कहा महिलाओं से क्या कहा अभी चावल और क्या बन रहा है कब बनेगी पाँच साल हो गए पाँच साल से कर रहा है खाना मीनू के हिसाब से बनता है या अलग अलग मीनू के हिसाब से बनता है सारा ही सही हाथ वाथ कहाँ धोते हैं नहीं धोते हैं हाथ काहे से धोते हैं साबुन से सरफ कहाँ रखा है साबुन नहीं रखा हुआ है कितने लोग हैं काम करने वाले आपके साथ में तीन है तीसरा बंदा कहाँ है आपका बीमार पड़ी साहब बुखार चल गया किसकी है ये कौन समिति की है ये बताएंगे मार साहब हमें या तो आज नहीं है साहब कितनी तनख्वाह मिलती है आपको 1000 मिलती है साहब बस तीनों को 1000 1000 कुछ नहीं पड़ता है सर अभी प्रशासन जितनी अवेलेबल व्यवस्था करा रहा है उस हिसाब से हम बच्चों को देने की कोशिश करते हैं अब प्रशासनिक स्तर पर अपने को व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं अगर अपना स्वयं का भवन हो तो उसमें सारी व्यवस्थाएं बच्चों को मिल जाती हैं तो यहाँ बेंचे हैं नहीं बच्चों के बैठने बेंचे हैं सर बच्चों के लिए कम है केवल एक क्लास के लिए तो वो नीचे के बैठते हैं कम है तो उनमें एडजस्ट करा सकते हैं नहीं तो 12th क्लास के लिए करा देते हैं सर पर छात्र संख्या अधिक होने के कारण बेंचे उपलब्ध नहीं है सर किताबें भी बता रहे हैं बच्चे की उनको मिले नहीं पूरी किताबें मिल चुकी हैं सर बच्चे तो फिर बच्चे मतलब गलत बोल रहे हैं नहीं बच्चे बोला ही नहीं सर गलत कई बच्चों ने बोला किताबें नहीं मिली हैं छात्रवृत्ति नहीं मिली लड़कियों ने भी बोला नहीं किताबें तो सबको मिल गई है छात्रवृत्ति के लिए नहीं तो लड़कियां कौन ने नहीं बोला छात्रवृत्ति के लिए छात्रवृत्ति जरूर नहीं मिली है बच्चों को वो भी उनका खाता सुधारवा दिया संकुल पे दे दिया संकुल स्तर पे कार्रवाई होती है सर इसमें क्यों नहीं मिल पाई अभी तक छात्रवृत्ति क्या सर क्या होता है सर छात्रवृत्ति ना मिलने के बहुत सारे कारण होते हैं एक तो अपना है ना बच्चे लोग साल में एक ही बार खाते को इस्तेमाल करते हैं अगर खाता चालू रहे तो वो चलायमान रहता है तो सर उसमें पैसे गिर जाते हैं आ जाती है छात्रवृत्ति आधार से लिंक ना होने के कारण भी छात्रवृत्ति नहीं आती है खाता और आधार को जोड़वाना पड़ता है सर ये 2-3 कारण है सर और बाकी किताबें जो पड़ी हुई हैं कमरे में तो वो अभी तक बढ़ी नहीं है किताबें किसी कमरे में उपलब्ध नहीं है आपके स्टाफ में इतनी पड़ी है ये तो अभी आते जा रहे हैं देते जा रहे हैं अभी एडमिशन चल रहे हैं सर अस्थाई तो अस्थाई वाले एडमिशन चल रहे हैं सर आपके हिसाब से यहाँ पे अव्यवस्थाएं केवल इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर शासन की कोई सेवाएं उपलब्ध नहीं है शासन की सर भवन उपलब्ध ना होने के कारण अव्यवस्थाएं हैं सर बेंचे भी कम बता रहे हैं ना बच्चों के बैठने बेंचे शासन स्तर पर ही मिलती हैं सर जैसे भवन मिल जाएगा तो वो शासन अपने आप फर्नीचर की व्यवस्था करता है कितने लोगों का स्टाफ है हमारे यहाँ सर 9 लोगों का स्टाफ है अभी कितने उपस्थित हैं हमारे यहाँ सभी उपस्थित है एक सर जो है उनकी बमोरी ड्यूटी है सर वो नहीं मेरे स्कूल का नाम है शासकीय माध्यमिक विद्यालय झागड़ विकासखंड और मैं UDT के पोस्ट पर कार्य कर रहा हूँ कितने बच्चे हैं स्कूल में वर्तमान में हमारे यहाँ 187 बच्चे तक हैं और टीचर टीचर दो हैं क्या इस बारे में आपने भी मांग पत्र आगे जारी किया मांग पत्र तो सबको मालूम है रहा है उसमें
मैं करी में और उसमें सब रहा शिक्षा केंद्र में जो क्या आपने अपनी तरफ से कोई आवेदन दिया या लेटर जारी किया? लागू करना नहीं चाहिए था करना तो चाहिए सच्चा में ये सब पढ़ाने में इतने बच्चों की स्टैंड ये है ना वो अतिथि अतिथियों की व्यवस्था का आदेश तो कर ली जाती है वो हर साल अतिथि व्यवस्था हो कितने अतिथि बुलाते हैं आप जो खाली जगह होती है उसको बुला लेते कितने पिछले साल कितने थे पिछले साल चार अभी थे और इस साल अभी चार की और व्यवस्था की है एक आध दिन में आने वाले हैं अब ज़्यादा कितने लोगों का स्टाफ है बताया दोनों का है लेकिन रजिस्टर में साइन तो कुछ ज़्यादा लोगों के वो प्राइमरी के वो एक ही परिसर का आदेश आया ना विश्वविद्यालय परिसर का आदेश आया है इसके तहत जो हम मिडिल में जो है सब प्राइमरी में करवा गुना कलेक्टर विजय दत्ता ने आज बीनागंज पहुंचकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर को अचानक अपने बीच देखकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि दवाइयां, स्टॉक, साफ सफाई, महिलाओं के वार्ड में सभी व्यवस्था ठीक पाकर कलेक्टर महोदय ने मीडिया के सामने अपनी संतुष्टि जाहिर की। बाद में उन्होंने कम्युनिटी हॉल में जाकर चांचौड़ा के सभी ग्राम रोजगार सहायकों बीएलओ की मीटिंग ली, जिसमें उन्होंने सभी बीएलओ को वोटर सूची एवं अन्य कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। मीटिंग रजिस्टर होगा बना के रखना होना चाहिए कोई अधिकारी आपके सीएमएचओ आए कोई भी आए सब बना के रखी है हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया यहाँ का एनआरसी जो देखा है काफ़ी अच्छा चल रहा है 10 बिस्तरी एनआरसी का उसमें हम आशा और आंगनवाड़ी और जितने यहाँ के एएनएम्स हैं सभी को हमने यहाँ बीपीएम के द्वारा निर्देशित किया है कि वो 10 बिस्तरी हमेशा 24/7 वो इस्तेमाल में रहे अच्छी सुविधा है कुपोषित बच्चों के लिए खास करके उसमें जो ज़रूरतें हैं पोषण आहार की सारी मिलती हैं तो उसका उपयोग अच्छी तरह से किया जाए अस्पताल में भी काम हो रहा है मेडिसिन का भी चेक किया है सारे मेडिसिन अप टू द डेट हैं कोई एक्सपायरी डेट वाले नहीं है कुछ यहाँ रिपेयर्स और नए बिल्डिंग और कुछ सिविल वर्क का काम है वो हमने सी एम एच ओ साहब को बताया और तत्काल उसमें करवाएंगे। यहाँ सर पानी की एक जटिल समस्या है पुरुषताओं के परिजनों को रात को 2-2 बजे बाहर पानी के लिए जाना पड़ता है। नया बोर हो गया आप भी उनसे जानकारी ले लेंगे तो आपको बता देंगे नया जो असुविधा थी उसे दूर करने के लिए एक नया बोर मैंने यहाँ पर करवा दिया है। बीनागंज से हमारे सहयोगी आर के शर्मा की रिपोर्ट। राधोगढ़ विधानसभा सम्मेलन में उमड़ा जनसैलाब। हारोन भाजपा विधानसभा राधोगढ़ के कार्यकर्ता सम्मेलन में मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मंत्री श्री लाल सिंह आर्य के मुख्य अतिथि एवं जिला अध्यक्ष राधेश्याम पारिक जी की अध्यक्षता एवं जिला कार्यकारिणी सदस्य अशोक नगर के पूर्व जिला अध्यक्ष नीरज सिंह मनोरिया एवं राधेश्याम धाकड़ श्यामलाल अग्रवाल की विशेष अतिथित्व में संपन्न हुआ। सम्मेलन में प्रत्येक मतदान के 21 कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर मुख्य वक्ता को कहना पड़ा कि कार्यकर्ताओं के जनसैलाब को देखते हुए इस बार 200 पार के नारे में राधोगढ़ भी शामिल रहेगी एवं कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए राधोगढ़ सीट भाजपा के खाते में ही आएगी। पारिक जी ने अनुशासन एवं उत्साह के साथ चुनाव जीतने का गुरु मंत्र भी दिया। स्वागत भाषण राधेश्याम धाकड़ ने देकर शासन की नीतियां गिनाई। नीरज मनोरिया ने जन आशीर्वाद यात्रा 12 अगस्त को मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देने का करते हुए संकल्प दिलाया। इस अवसर पर 100 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर राधोगढ़ विधानसभा के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिसमें किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह रघुवंशी, जिला उपाध्यक्ष बलवीर सिंह रघुवंशी, मंडल अध्यक्ष भगवत सिंह श्रावण जैन, संजीव सहारा, उपाध्यक्ष मोनु जैन, पहलवान सिंह, मंडल महामंत्री ने आभार व्यक्त किया। आपके अपने लाडले नेता
कि डिब्बा खुलेगा आदरणीय राधेश्याम ठाकर जी यानी कि दोनों राधेश्याम है। बोलो राधे 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 राधे। अरे बम पटक भी नहीं। राधेश्याम पाले को राधेश्याम पटक। अरे मैं अच्छी देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र कुमार जैन जी, आदरणीय बलवीर सिंह रघुवंशी जी, माला नहीं पार्टी के जिला मंत्री बहन लक्ष्मी शर्मा जी, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह रघुवंशी जी, पार्टी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय भगवत सिंह रघुवंशी जी, ब्रजभूषण भोरे जी, राजीव नयन शर्मा जी, वरिष्ठ नेता। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के किले को इसी मध्य प्रदेश में पराजित किया। अब कुछ स्पॉट बचे हैं, इसमें राघोगढ़ भी है। अब की बार के चुनाव में राघोगढ़ के किले पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया जाएगा। उसका कारण है, राघोगढ़ की जनता जानती होगी कि शिवराज सिंह के समय बिजली कितनी मिलती थी और राघोगढ़ के महाराज के समय बिजली कितनी मिलती थी। जब कांग्रेस के दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तब किसान को बोनस नहीं मिलता था राघोगढ़ किसान को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो राघोगढ़ के किसान को भी बोनस मिलता है। वो तो पूरे प्रदेश में मिल रहा है लेकिन राघोगढ़ का मुख्यमंत्री होने के बाद भी जी वो अपने किसानों को लाभ नहीं दिला पाया। लेकिन शिवराज सिंह जी यहाँ से चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री बनते हैं, राघोगढ़ के किसान की भी चिंता करते हैं। और इसलिए जन आशीर्वाद जो यात्रा निकल रही है उस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ, अभी कमलनाथ जी का स्टेटमेंट आया मैं जनता का आशीर्वाद लेने नहीं जाऊँगा, ये मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है। अब विधानसभा में कहाँ पे प्रत्येक विधानसभा में 50 ग्राम पंचायतों का चयन कर लिया गया है और 50 ग्राम पंचायतों में किसान चौपाल का एक प्रभारी और एक संयोजक दोनों की नियुक्ति हो चुकी है। और गुना जिले में 200 पंचायतों में वक्ताओं की भी सूची बन चुकी है जो 2 तारीख को अपने अपने ग्राम पंचायतों में जाकर किसान चौपाल लगाकर किसानों से रूबरू होंगे, किसानों से बात करेंगे और किसानों की समस्याओं का समाधान के साथ आगे उनसे राय लेकर देंगे जो आगामी विधानसभा के चुनाव में घोषणा पत्र में शामिल है। किसान चौपाल कहाँ लगना है, कहाँ लगना है? नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों ग्राम पंचायतों में किसान चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।